Hi, good morning, my dear student. Today I am going to discuss exercise 2.4, question number second. Question number second says, find the reciprocal of each of the following fractions. What do you mean by reciprocal? First, you need to understand about reciprocal. रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल का मतलब होता है इनवर्स, इनवर्स का मतलब होता है उल्टा, उल्टा। जैसे डे का नाइट होता है NIGHT, बॉय का गर्ल होता है गर्ल, मतलब रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्टा है। तो ये तो इंग्लिश में दिन का रात, लड़का का लड़की, राजा का रानी हिंदी में। अब मैथ में क्या रेसिप्रोकल होगा? जैसे एक्स का हमें रेसिप्रोकल निकालना है तो इस नंबर को वन अपान में डाल देंगे, वन अपान ये हो गया। जैसे टू का रेसिप्रोकल कोई पूछ रहा है तो टू का रेसिप्रोकल निकालना बहुत ईजी है। अब ये वन अपान में ये पूरा नंबर रख देंगे, ये पूरा नंबर टू। जैसे कोई कह दे जेड का रेसिप्रोकल क्या होगा, जेड का रेसिप्रोकल तो वन अपान में यही जेड नोट कर देंगे, जेड। दिस इज योर रेसिप्रोकल ऑफ एनी डिजिट। नाउ यू सी, फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट इज योर 3/7। तो नाउ सेकेंड स्टेप में रेसिप्रोकल ऑफ, रेसिप्रोकल ऑफ 3/7 इक्वल टू, मैंने क्या बताया, वन अपान में ये नंबर डाल देंगे तो वन अपान ये पूरा नंबर 3/7। अब ये 7 ऊपर शिफ्ट कर जाएगा तो वो क्या जाएगा, 1 × 7/3, तो ये हो गया 7/3। Now we want to change in mixed fraction. So this is your 3 × 2 = 6, 1/3. This is your answer. Second part, 5/8. So again, therefore, 5/8 is your question. Now reciprocal of 5/8 equal to 1/, this whole number, 5/8. अब ये 8 ऊपर शिफ्ट कर गया तो दिस इज योर 8/5, क्योंकि 8 में जब 1 का मल्टीप्लाई करेंगे वी गेट हियर 8 एंड ये 5 अपने प्लेस पे। अब इसको फिर मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे तो 1 whole 3/5, दिस इज योर आंसर ऑफ पार्ट सेकंड। 9/7, थर्ड पार्ट इज योर 9/7। तो रेसिप्रोकल ऑफ 9/7 इक्वल टू 1/, दिस होल नंबर 9/7। अब ये 7 ऊपर शिफ्ट कर गया तो हो क्या जाएगा, 1 × 7/9, तो ये हो गया 7/9। अब ये आपका नहीं चेंज हो पाएगा क्योंकि ये 9 बड़ा हो गया और ये 7 छोटा हो गया, तो डिवीजन नहीं हो पाएगा, तो हम इसको इसी रूप में रख देंगे। थैंक यू। फोर्थ पार्ट, 6/5। तो रेसिप्रोकल ऑफ 6/5 इज इक्वल टू 1/6/5। अब ये 5 ऊपर शिफ्ट हो गया तो 1 × 5/6, दैट इज योर 5/6, दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पार्ट, 12/7। तो रेसिप्रोकल ऑफ 12/7, यू कैन राइट व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ दिस नंबर, तो 1/ दिस होल नंबर 12/7। तो ये 7 ऊपर शिफ्ट कर गया तो हो क्या गया, 1 × 7/12, तो वी कैन राइट 7 × 7/12, दिस इज योर आंसर ऑफ पार्ट फिफ्थ। सिक्स पार्ट, 1/8। तो रेसिप्रोकल ऑफ 1/8 इज इक्वल टू 1/1/8। ये 1/ में ये पूरा नंबर चला गया तो 8 ऊपर शिफ्ट कर गया तो 1 × 8/1। अब 1 में इस नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 80 हो जाएगा, 1 नीचे वाले 1 का कोई वैल्यू नहीं,
तो ये आपका क्या हो गया, होल नंबर। दिस एट इज योर होल नंबर। थैंक यू। 1/11 सेवेंथ पार्ट इज 1/11, तो रेसिप्रोकल ऑफ 1/11 इक्वल टू 1/, ये होल नंबर, पूरा पूरा नंबर, ये 1/11, तो 1/11, तो ये हो गया 11, ऊपर चला गया, तो 1 × 11/1, नीचे वाले 1 का भी कोई वैल्यू नहीं, ऊपर वाले भी 1 का कोई वैल्यू नहीं। क्यों वैल्यू नहीं है, क्योंकि 1 में 11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 ही आएगा, और नीचे वाले 1 का कोई वैल्यू नहीं होता है, डिनोमिनेटर के 1 का कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि डिवीजन करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे वही नंबर आएगा। सो 11 इज योर आंसर ऑफ पार्ट लास्ट, सेवेंथ पार्ट।